अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आपका खैर मकदम। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने श्रीनगर में महकमा की फिजिकल व फाइनेंशियल पेशरफ्त का लिया जायजा। मीटिंग की तफसीलात। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज ज्वाइंट डायरेक्टर्स, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्रीनगर, मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों के नोडल अफसरान, महकमा के जिला, सब डिवीजन और जोनल सतह के अफसरान की एक मीटिंग तलब की, ताकि महकमा की तरफ से नाफिज की जा रही मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों के निफाज के बारे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीटिंग के दौरान महकमा की तमाम स्कीमों जैसे कैपेक्स, आर के वी वाई, एम आई डी एच, आत्मा, एन एफ एस एम, आर के वी वाई, पी एम किसान पर तफसीली बातचीत की गई। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने अखराजात को बेहतर बनाने के लिए फंड्स को बरवक्त इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुख्तलिफ अज्जा के लिए मुख्तस फंड्स को खित्ते में काश्तकारी के शोबे की तरक्की के लिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने अफसरान से कहा कि वह हर सहमाही में कम अज कम 25% फंड्स खर्च करें। उन्होंने इन्हें हिदायत की कि वह अपने अखराजात की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करे और इसका जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्कद करे। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्कद करे, ताकि वो खुम्बी की काश्त, मवेशी पालने वगैरह जैसे जरी सरगर्म की तरफ रागिब हो सके। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि काश्तकारों की समाजी व इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो इंतजामिया की मुख्तलिफ सतहों पर तालमेल के साथ काम करे, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जा सके। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि हमारे खित्ते की ज़रई आबो हवा मुल्क के बेहतरीन हालात में से एक है, इसलिए मुख्तलिफ ज़रई फसलों के बीजों के पैदावार के मौके को पूरी तरह तलाश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमा इस सम्बन्ध में भरपूर तरीके से काम कर रहा है। क्या मशरूम क्या होता है? बाड़ी जाने वाली कोई है? इट इज एक्चुअली जो मैक्रो फंगस होते हैं, मैक्रो माइक्रो और मैक्रो फंगस, एडिबल पोर्शन ऑफ दैट कौन सी? मशरूम। मशरूम जो होते हैं टू टाइप्स ऑफ मशरूम, एक वाइल्ड, एक कल्टिवेटेड। इसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं। जो वाइल्ड होती है इसमें कनबिस चीज बने मार्शला कुछ कुछ वो आता है, वो हम कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मशरूम, इसमें तकरीबन 200 स्पीशीज ऐसी है जिनको हम कल्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी में इंडिया में कमर्शियली हम 5 वैरायटीज जो है मशरूम की वो हम कल्टिवेट कर